अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जैनाज घर का तड़का। और जैसे कि विंटर सीज़न आ गया है तो सूप तो बनाना बनता ही है, और आप लोगों के साथ सूप की रेसिपी भी शेयर करना बनता है। तो मैंने बनाया था वेजिटेबल सूप, जो कि बहुत ही इजी है और सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स ही ये बना है। इसके लिए चाहिए हमें वेजिटेबल्स, जैसे कि यहाँ पे मटर है, पत्ता गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। और अब हम इनसे सूप बनाएंगे, तो चलिए प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। और घी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें इस घी में सौते करना है, तो बहुत ही ज़्यादा घी का जो टेस्ट है वो सूप पे बहुत प्यारा आएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है गार्लिक चॉप करके, और ये 1 टेबलस्पून गार्लिक है अराउंड। इसको मैं अच्छे से सौते कर लूँगी। उसके बाद में जब ये हो जाएगा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, इसके अंदर मैंने अनियंस ऐड कर दिए हैं, ये अराउंड 1 स्मॉल अनियन है, और इसको भी मैं अच्छे से सौते कर लूँगी। इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी सारे, अभी टमाटोज ऐड नहीं करने हैं, पहले मैं दूसरे वेजिटेबल्स को सौते कर लूंगी। तो शिमला मिर्च डाल दी है, गाजर डाल दी है, फिर इसके अंदर मैंने पत्ता गोभी डाल दिए है और मटर भी डाल दूंगी इसके अंदर। अपने अपने हिसाब से क्वांटिटीज़ ले सकते हैं आप वेजिटेबल्स की। ये मैंने अराउंड 4 बाउल्स ऑफ सूप बनना चाहिए, उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। और ये अब मैंने सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दिए हैं, अब इसको मैं सौते कर रही हूँ अच्छे से। 5-6 मिनट्स तक हमें वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते करना है। वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से सौते हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टमाटो डाल दिया है, ये एक मीडियम साइज़ का टमाटो है। अब इसको भी हम 4-5 मिनट्स तक अच्छे से और जो है सौते करेंगे, टमाटोज को भी वेजिटेबल्स के साथ। अब इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, मैंने लिया है 2.5 ग्लास ऑफ वाटर। वाटर ऐड करने के बाद इसको हम और 15-20 मिनट्स तक जो है वो बॉईल करेंगे वेजिटेबल्स के साथ, जिसके अंदर जो हमारा सूप है वो पूरे वेजिटेबल्स का अच्छा फ्लेवर देगा। तो उसको कम से कम 20 मिनट्स तो हमें गैस पे रखना ही है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, और सॉल्ट मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है मुझे जितना चाहिए, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून शुगर। बहुत संभल के डालना है शुगर और सॉल्ट को। इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है 1/2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर डलेगा कॉर्नफ्लोर, जिससे हमारा सूप थिक होगा। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब इसको मैं पानी में डाइल्यूट करूँगी और उसको जो है सूप में धीरे धीरे से डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं, तो हमारा सूप जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए सूप में वो अच्छे से आ जाएगी। तो ये है वेजिटेबल सूप, जो मेरा 5 मिनट्स में और गैस पे रखूंगी और ये बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको गरम गरम जो है सर्व कर देंगे। और जो कि सर्दियां आ गई हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती हैं, और जो वेट लॉस जर्नी पे है उनके लिए भी ये सूप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। सो ये सूप सब लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ये थी मेरी डिनर की प्रिपरेशन, जिसमें मैंने वेजिटेबल सूप बनाया है, और उसके बाद में जो है मैंने पुलाव बनाया है, आलू और मटर का पुलाव सूप हो गया, और जो है साथ में मैं एग सर्व कर दूंगी। तो ये था मेरा पूरा डिनर का प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जैनाज घर का तड़का। इफ़ यू लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
शाम में डांस करें।